ओ माए पगार जी ढोर बछेरू और हम पे ना कटे कि तुम माई से मांग रही थी पैसा। अच्छा, हमें मांगना नहीं पर और हमारे चाचा जी बैठे हैं, जितने भी चाचा आए हैं हमारे शायद चाची और आज जो देखे तुम्हारे लोग दीपावली के दिन जाना हमारे पास। अरे सब हमारे चाची है, हमारे चाचा आ रहे हैं। ये कुछ ने एक गीत ही ऐसा है, पत्र लिखा तो तैरामा ने भीमराव को पहुंचाया, इतना से लाला ने खाना करके पानी पी रहा है, सिर्फ आपका नाम रखता रहता है, कहता है मां बाबा कहां है, बाबा को बुला दो। मां तरवाई पत्र में लिख रही, कह रही है साहब इस पत्र को पढ़कर तुरंत चले जाना, क्योंकि आपका लड़का बहुत बीमार पड़ा है, उसका इलाज कराना है। तो देखिए आगे क्या लिखती है, क्या होता है। हाँ बाबा के तो राजा बेटी ना।
भीमराव जी घर पहुंच गए बाबा साहब। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं माता राव आई अपने लाल की लाश को गोदी में लिटाए रो रही है, छाती पीट रही है। जो बाबा साहब को देखा सामने खड़ा, बाबा साहब से कहने लगती है, देखिए क्या कह रही है। कि हमारा लालला इस देश पर एक राज करेगा, और अब तो ये भी हम और आपको दोनों को छोड़ के चला गया है, आपके पचन भी सुनने पड़ गए हैं, अब क्या होगा। तो साहब माता रामबाई को समझाने लगते हैं, क्या कहते हैं। ऐसी हो जिसका लाल मरा पड़ा हो और वो अपने पति से कह दे आप विदेश चले जाए। और बाबा साहब जिस दिन विदेश जा रहे थे उनको गोल में सम्मेलन में जाना था, और ये उसी दिन की बदौलत है कि आज मैं मनोज कुमार गौतम या ये माया गौतम इस मंच के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अपनी बात कर रहे हैं, या इन कुर्सियों पर हमारी माता बहन बैठी है, इन कुर्सियों पर बैठने का जो अधिकार मिला है वो उसी दिन की बदौलत है। बाबा साहब ने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, लेकिन लंदन गए, लंदन जाकर गोलमेज सम्मेलन से जब कोर्ट का अधिकार लाए तब हम और आपको ये अधिकार मिला, ये उसी दिन की बदौलत है। देखिए बाबा साहब के पास एक पैसा भी नहीं है, धन्य बाबा साहब माता रामबाई। बाबा साहब से माता रामबाई ने कहा, बाबा साहब कहने लगे रामू मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे लंदन जाना है। तो माता रामबाई कहने लगी साहब आप बेशक जाइए लेकिन कुछ पैसे तो दे दो जिससे अपने लाल का दाह संस्कार करा लूंगा। बाबा साहब ने जब पैसा अपनी जेबों में हाथ डाला तो पैसा तो उनकी जेबों से नहीं निकला लेकिन आंखों से आंसू निकल आते हैं। साहब रोने लगते हैं, तो रोने लगते हैं माता रामबाई उस बात को समझ जाती हैं और बाबा साहब को समझाने लगती हैं, धीरज बनाने लगते हैं, कहती हैं साहब आप जहां जा रहे हो जाइए, मैं अपने लाल का दाह संस्कार खुद कर लूंगी। वो पहली माँ है जिसने अपने लाल का स्वयं दाह संस्कार किया और हम रात को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। राज रतन दीवा पर आए, इसकी तरह तरह
तो जिस बीमारी से और जिस भूख प्यास से हमारा ये लाल मरा है, इस देश के हमारे लाखों करोड़ों राजपुत्र मारे जाएंगे। और अगर मैं आज लंदन गया तो रामू तू एक राजरत्न के लिए रो रही है, मैं ऐसा काम करके आऊंगा इस देश में लाखों करोड़ों राजपुत्र पैदा हो जाएंगे। और ये उसी दिन की बदलत है कि आज हमारे समाज के लोग अगर चपरासी से लेकर डीएम तक बन रहे हैं तो उसी दिन की बदलत है। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन रहे हैं वो भी उसी दिन की बदलत है, क्योंकि बाबा साहब उससे लंदन नहीं गए होते और वोट का अधिकार नहीं लाए होते तो वही नियम चलता था, रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था। बाबा साहब जब वोट का अधिकार लाए तो उन्होंने कह दिया, ऐ रानी मैं तुम्हारे पेट का ऑपरेशन कर रहा हूं, अब राजा पैदा तू नहीं करेगी, अब राजा पैदा होगा तो बैलेट बॉक्स से होगा और हर समाज का हमारा भाई भी राजा बनेगा। ये उसी दिन की बदलत है कि हम और आप आज अगर सुबह पानी भी पीते हैं तो वो बाबा साहब की बदलत है। बाबा साहब ने अगर महाकाल की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो जिन तालाबों का पानी उनके पशु जानवर पानी पिया करते थे उन तालाबों का पानी नसीब नहीं था हम और आपको। बाबा साहब ने महाकाल की लड़ाई जाकर के लड़ी तब जाकर के हमको शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है। इस तन पर जो कपड़े पहने हैं ये भी हमारे बाबा साहब की बदौलत है। आज मतलब लाल को जला रही है और क्या सुने